बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, और लोग कहते हैं कि हम वृद्ध हो जाएंगे बाद में भक्ति करेंगे, जवानी में क्यों भक्ति करनी। लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके अच्छी डिग्री पाकर हमें अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छा पैसा कमाएंगे, मगर जैसे आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। सो मेरा नाम गौरव भगवान दास है। मैं यहाँ पे इस्कॉन सेलम के जो गुरुकुल है उसमें एक अध्यापक हूँ और बच्चों की देखभाल करता हूँ, और बच्चों के पेरेंट्स हैं जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ भी संपर्क बनाए रखता हूँ, और उनके जो बच्चों के जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में पेरेंट्स को डिटेल्स हम देते रहते हैं। तो ये मेरी सेवा है यहाँ पर। तो प्रभु जी, हम देखते हैं कि गुरुकुल में बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो अभी बच्चों की तो खेलने कूदने की उम्र रहती है, तो अभी से उनको ऐसे माहौल में लाना और उनसे भक्ति करवाना, और भक्ति के लिए तो पूरे बुढ़ापे में भी की जा सकती है, तो फिर अभी से उनको भक्ति में लगाना क्यों ज़रूरी है? यस। सो जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी वो करते हैं वो खेल है। अभी वो लोग भक्ति करें वो उनको पता नहीं है। बाहर आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, तो वो स्कूल में वो लोग 12 घंटा अपना समय व्यतीत करते हैं, मगर हमारे गुरुकुल के बच्चे इतनी 3 या 4 घंटे ही पढ़ते हैं। उसके अलावा वो लोग पूरे प्रोग्राम, मंदिर का जो भी प्रोग्राम है वो उसमें भाग लेते हैं, और उनके लिए ये सब खेल है। श्लोका सीखना खेल है, सेवा करना खेल है, सब कुछ खेल है। उनको ऐसा कोई दबाव नहीं है कि भाई पढ़ाई करना है या ये सेवा करना है, ऐसा कोई दबाव नहीं है। वो अपनी इच्छा से, प्रेम से ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसलिए आप बाहर की स्कूल से तुलना करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रभु जी, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि बचपन से, यानी कि बच्चों को अभी से भक्ति करना क्यों ज़रूरी है? पूरे साल, पूरे उम्र, बाद में भी तो कर सकते हो। या तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम् आचरेत् प्राज्ञो, से बचपन से ही बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए। अगर आप देखें तो बचपन में हम जो भी सीखते हैं वो हमारे पूरे लाइफ तक हम लोग याद रखते हैं। जैसे अभी बचपन में हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब लोग ने हमें ये राइम सीखी है। अभी अभी मैं तो 43 ईयर्स का हूँ फिर भी मुझे याद है, क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया था। तो इसलिए बचपन में जो भी आप सिखाएंगे, जो 5 वर्ष की आयु है वो 5 से लेके 16 साल तक जो भी बच्चों को सिखाएंगे वो उनके लाइफ में उनका फाउंडेशन बन जाएगी। तो इसीलिए बचपन से अगर बच्चों को ये वैदिक ज्ञान दिया जाए तो वो उनके लाइफ के लिए फाउंडेशन बन जाएगा, और उनके लिए ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये जो वैदिक ज्ञान है बचपन से देना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, और लोग कहते हैं कि हम वृद्ध हो जाएंगे बाद में भक्ति करेंगे, जवानी में क्यों भक्ति करनी है। मगर जब भी हम वृद्ध हो जाते हैं, जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं, तभी हमको बराबर सुनाई नहीं देता है, हमको आँख से दिखता नहीं, पर हमारा शरीर कुछ सेवा करने के लायक नहीं है, तो तभी हम क्या भगवान की भक्ति करेंगे। तो इसलिए जब हम जवान हैं, जब भी हमारा शरीर तंदुरुस्त है, तभी हम हमारा पूरा जो शरीर है, हमारी इंद्रिया है, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसीलिए बचपन से हमें जितनी जल्दी हो सके तब से भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी पिछले वीडियो में बताए थे कि गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, और अपने कपड़े धुलना, अपने भोजन के पेट साफ करना वो स्वयं ही करते हैं, और हम देखते हैं कि जो बाहर के जो माता पिता पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है कि इधर आप बच्चों से तपस्या करवा रहे हैं और उधर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो तपस्या करने के पीछे क्या रीज़न है? तो शास्त्र में क्या कहा गया है कि तपस्या ब्रह्मचार्य ना। तो ब्रह्मचारी जो होता है, जो गुरु के आश्रम में रहता है, उसे तपस्या करना चाहिए, उससे उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो तपस्या मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग को ओ आग के कोयले पे चलना है या धूप में चलना है, ऐसा हम तपस्या नहीं है। ठीक है, सुबह उठते हम लोग जल्दी, पर जो वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो वैदिक ज्ञान वो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए हम जल्दी उठ के ये लोग मंगल आरती अटेंड करते हैं, जप चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं, श्लोका पाठ करते हैं। तो ये सुबह का जो समय है वो ये सब चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए जल्दी उठाते हैं। और पारंपरिक रूप से आप देखें तो सब गुरुकुल वैदिक ज्ञान इतिहास से आप देख सकते हैं, जैसे कृष्णा गुरुकुल गए थे, हम महाभारत से जान सकते हैं, जैसे पांडव सब उनके गुरु के पास गए थे। तो ये पारंपरिक रूप से ये चला आ रहा है। और हम देखते हैं कि बाहर के स्कूल में अगर देखेंगे तो बच्चे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, मगर उसमें फिर कोई उनको
वो ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं, डल है। हमारे बच्चे देखेंगे इतने सुबह जल्दी उठ के भी दे आर ब्राइट, पूरे दिन चुस्त रहते हैं और अच्छे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये अच्छा है उनके लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर शुरू शुरू में अगर भक्ति करता है तो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं उनको लगता है कि फुल टाइम ब्रह्मचारी न बन जाए, तो इसी प्रकार से जो ब्रह्मचारी में जो गुरुकुल है उनमें जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या जो बच्चे हैं क्या फुल टाइम ब्रह्मचारी बनेंगे? हम आशा करते हैं कि वो ब्रह्मचारी बने, मगर जब भी बच्चे 15-16 साल की आयु के आयु तक आते हैं उसके बाद उनका अपना खुद का बुद्धि होता है, वो जागृत होता है और उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं लाइफ में कि मुझे क्या करना है। तो तब तक हम उनको एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा वैदिक एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको क्या करना है। हम किसी को भी ज़बरदस्ती करके कुछ नहीं करवा सकते हैं, एक उम्र के बाद वो लोग खुद डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है, मगर तब तक हम उनका एक फाउंडेशन, एक अच्छा फाउंडेशन बना देंगे तो उनके लाइफ के लिए वो अच्छा होगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उनको वैदिक ज्ञान दें बचपन से, और उसके बाद जो बाहर का जो लौकिक ज्ञान है वो तो बहुत आसान है, वो तो वो कभी भी पढ़ लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो सिखाना बहुत बहुत ही कठिन है। ख़राब चीज़ तो बहुत जल्दी सब लोग सीख लेते हैं, तो हम ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं तो फिर उनसे बीच में अगर कोई पेरेंट्स को उनसे मिलना हो या फिर किसी कारणवश को घर जाना हो तो क्या उन्हें जाने दिया जाता है या पेरेंट्स से मिलने दिया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि नहीं एक बार एडमिशन ले लिया तो नहीं पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके ही पेरेंट्स से मिलेंगे या बाहर जाएंगे? सो गुरुकुल में जब भी एडमिशन होने के बाद हम लोग अभी के लिए ये साल से हम लोग ने क्या किया कि हर 6 महीने बच्चे जा सकते हैं, एक 2 हफ्ते के लिए घर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, मगर ऐसा देखा गया है कि जब भी बच्चे घर जाते हैं तभी यहाँ का माहौल घर में नहीं होता है, तो आने के बाद वापस हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती उनके साथ, तो इसलिए हम कम से कम घर भेजते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं कि अब जब भी घर आएंगे तभी उनको क्या क्या करना चाहिए, मगर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है कुछ है तो बच्चों को घर हम भेजते हैं, और हर रविवार को बच्चे अपने पेरेंट्स से फ़ोन में बात करते हैं, 15-20 मिनट बात करते हैं एवरी संडे, तो वो पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहते हैं और हर महीने हम लोग बच्चों का क्या प्रोग्रेस है उसका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजते हैं व्हाट्सएप, सो इसके इस तरह से हम लोग उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं पेरेंट्स। बच्चों को बच्चे चाहिए, सो जब बच्चे के संग में होते हैं तभी माता पिता सबको भूल जाते हैं, मगर कभी कभार उनको याद आती है, तो इसलिए हर संडे, जैसे मैंने आपको बताया, हर संडे वो लोग माता पिता से बात करते हैं और फिर वो खुश रहते हैं, और माता पिता पूछते भी आपको वापस आना है, तो बच्चे बोलते नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर उनको खेलने को मिलता है, अच्छा प्रसाद मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वो लोग घर में रहेंगे तो उनको इनके लिए पॉसिबल है, और घर जाएंगे तो क्या है उनको स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल जाएंगे तो एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम का जो डर है उसकी वजह से कोई बच्चे जाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ भी परीक्षा होती है मगर सिंपल परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि कौन फर्स्ट रैंक आने वाला है कौन सेकेंड रैंक, ऐसा नहीं है, पर जस्ट कितना समझते हैं वो जानने के लिए हम लोग सिंपल परीक्षा देते हैं, मगर स्कूल की तरह नहीं है कि एक फाइनल एग्ज़ाम होती है और पूरा साल आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए पढ़ाई का दबाव यहाँ पे कम है और भक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर है, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे वो बहुत पसंद आता है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है फिर वो छोड़ के घर नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे वो ये सब मुमकिन नहीं है। हम बताना चाहेंगे कि बाहर की पढ़ाई में और गुरुकुल की पढ़ाई में क्या अंतर है? सो बहुत अंतर है, बाहर जो पढ़ाया जा रहा है वो भौतिक ज्ञान है और हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी आप कहेंगे कि आप यहाँ पे भी आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स गणित पढ़ा रहे हैं, ये सब ये भी भौतिक हो गया, मगर हमारे गुरुकुल का उद्देश्य ये है कि आध्यात्मिक चीज़ें सीखने के लिए, जैसे आध्यात्मिक अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो उसके लिए आपको भाषा तो आनी चाहिए, तो उतनी जो ज़रूरत है भाषा पढ़ने के लिए उतना हम उनको वो लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वो लैंग्वेज सीखने के बाद वो लोग जो हमारे शास्त्र है वो सब पढ़ेंगे और उसमें से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उद्देश्य है कि उनको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान जितना हो सके उतना देना है, क्योंकि भौतिक ज्ञान अगर चाहिए तो बाहर के स्कूल है बहुत अच्छा देते हैं, वो हम लोग उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, मगर बाहर की स्कूल जो है वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। आज जो बाहर की जो स्कूलें हैं उसमें उनका उद्देश्य क्या है कि पैसे कैसे कमाना है, मगर हमारी गुरुकुल में हमारा उद्देश्य ये है कि हम
भक्ति करें और भक्त बनना है, और ऐसा करते हमें वापस जन्म नहीं लेना है, हमें भगवत धाम वापस जाना है, तो ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए भौतिक ज्ञान हम लोग देते हैं, पर जितना वो ज्ञान से हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें उतना ही ज्ञान उनको मिलता है। जैसे गणित में हम लोग उनको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चार ही सिखाते हैं। उसके अलावा मेजरमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिकल जितना है वो सब ज्ञान उनको ज़्यादा देते हैं। बाकी सब एलजिब्रा, थियरम्स, ये सब नहीं सिखाते, बिकॉज लाइफ में हमने कभी यूज़ नहीं किया उसको। स्कूल में हम लोग सब ने बहुत पढ़ा मगर उसके बाद कभी यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही भौतिक ज्ञान देते हैं, और बाकी आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर ही बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस करते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी हिस्ट्री में इनने क्या करा था, वो yes. क्या करा था, ऐसा सब सुनने को मिलता था, लेकिन कोई मतलब नहीं। आज उनका प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो कोई यूज़ ही नहीं है। सही है, जैसे आप अगर स्कूल में जाते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे मुस्लिम किंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उस औरंगजेब, ये सब के बारे में पढ़ के क्या मतलब है? वो लोग चले गए, उनका नाम चला गया, अभी कोई जानता नहीं, उनके बारे में पढ़ के क्या फ़ायदा। मगर अगर हम लोग बच्चों को हिस्ट्री सिखाते हैं, महाभारत से सिखाते हैं, तो महाभारत में जो इतिहास है, जो सच में घटना घटी है, और उसमें हम सीख सकते हैं, तो उससे हमारा जो कैरेक्टर है, मेन गुरुकुल का उद्देश्य है कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो चरित्र को अच्छा बनाने के लिए जब भी हम दूसरे जो इतिहास में, जैसे राम है, राम का चरित्र देखे, लक्ष्मण का चरित्र देखे, तो उनका चरित्र जब देखते हैं कि लक्ष्मण ने कैसे अपने बड़े भाई की सेवा की, तो वो देख के उनके गुण हमारे में आएंगे, तो वो उससे हमारा चरित्र अच्छा बनता है। तो ये हम देना चाहते हैं, ये इतिहास है, यही इतिहास। और भूगोल भी देखे तो ज्योग्राफी बोलते हैं, और ज्योग्राफी भी हमको बहुत सारे शास्त्र से सब मिलती है, तो वो सब बाहर का जो ज्योग्राफी पढ़ के हमें ज़्यादा कोई मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र के थ्रू हम सब ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को। तो आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे एडवांस स्कूल्स हो गए, फिर आज के समय में ऐसे धोती कुर्ता पहनना और ऐसा गुरुकुल चलाने की क्या आवश्यकता है? तो आगे जाकर जो अगर सपोज सब स्कूल ही रही, तो ये हमारी जो भारत की संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमें प्रयास करना है, और ये गुरुकुल का जो ज्ञान है, ये जो बच्चे हैं वो ये संस्कृति का आगे जाके प्रचार करेंगे। अगर गुरुकुल नहीं होंगे तो हमारे जो भारत की संस्कृति है वो आगे कौन लेके जाएगा? ये जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। तो भविष्य में जाके ये बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, उनको प्रचार करेंगे, और ऐसे ही हमारे जो भारत की संस्कृति, जो हमारा ट्रेजर, क्या बोलते हैं, इससे ट्रेजर, जो हमारा ट्रेजर है उसको प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखेंगे। नहीं तो हम भी पाश्चात्य जगत, जैसे वेस्टर्न, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वैसे हो जाएंगे, जिनकी वहाँ पर बिल्कुल संस्कृति नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए गुरुकुल बहुत ही आवश्यक है हमारी भारत की संस्कृति को बचा के रखने के लिए। अगर कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अगर गुरुकुल में अगर डालना चाहे तो उसकी क्या योग्यता है और गुरुकुल की कितनी फीस है? सो हम लोग गुरुकुल में हर साल मई में हम लोग एक ट्रायल रखते हैं, जिसमें हम हर बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ आकर यहाँ पे एक हफ्ता रहते हैं। एक हफ्ता हम लोग उनको पूरा गुरुकुल का जो नॉर्मल जो स्केड्यूल होता है वो एक हफ्ता वो स्केड्यूल में वो लोग रहते हैं। उसमें हम उनको देखते हैं कि वो लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और माता पिताओं को भी देखने का अवसर मिलता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से हम ये एक ट्रायल हमारे दोनों तरफ से फायदेदायक है। तो हम लोग देखते हैं कि लड़का कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उसको भक्ति में कितना इंटरेस्ट है, पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो देखने के बाद एक हफ्ते के बाद हम लोग फिर डिसीजन लेते हैं कि ये लड़का गुरुकुल में रह सकता है कि नहीं रह सकता। और पेरेंट्स बहुत सारे, हमने लास्ट ईयर जो ट्रायल किया था उसमें पेरेंट्स ही, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनकी माता से बहुत सारा लगाव है, तो वो लोग अकेले नहीं रह पाते, वो लोग रोते हैं, तो ऐसे बच्चे खुद ही चले जाते रोते हुए। और कोई कोई है जो उनकी स्वास्थ्य, वो लोग इतने मोटे हैं, चल नहीं सकते, मुँह ज़्यादा कुछ, खेल कूद कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग भी गुरुकुल में रहने के लिए फिट नहीं है। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग जो अच्छे, जो बच्चे जो यहाँ पे रह, अच्छे मतलब ऐसा हम लोग नहीं देख रहे कि कोई एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट है, पंडित है, ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं, पर जो गुरुकुल में रह के उसका लाभ ले सकता है, ऐसे बच्चे को हम लोग रखते हैं। और जहाँ तक कि फ़ीस का सवाल है, हमारा गुरुकुल में कोई भी फ़ीस नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुकुल चला रहे हैं,
ये एक भक्तों के लिए, इस्कॉन में जितने भक्त हैं उनके लिए सेवा हम लोग कर रहे हैं प्रभुपाद के आदेश पर, हमारे गुरु महाराज के आदेश के। तो अभी जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर इनको अगर बाई चांस कोई अगर ग्रस्त आश्रम में जाता है तो उनका जो परिवार रहेगा तो उनके लिए वो फिर जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? सो इसके लिए दो चीज़ें हैं। जैसे गुरुकुल में हम लोग 16 साल तक बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। अभी उसमें से हो सकता है कि कोई बच्चे ब्रह्मचारी बनने की उनकी इच्छा हो सकती है, तो ब्रह्मचारी आश्रम में उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको कुकिंग कैसे करना है, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक तरह का पाथ हो गया। और फिर ब्रह्मचारी, जब तक वो ब्रह्मचारी रहेंगे तब तक रहेंगे। अभी उनको अगर विवाह करना है तो फिर हम लोग क्या, हमारे यहाँ पे आसपास फार्म्स हैं तो वो लोग वहाँ पे रह के फार्मिंग कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं और खेती से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे मंदिर भी बना रहे हैं तो वो लोग मंदिर में भी सेवा कर सकते हैं और अपना जीवन, मंदिर उनके देख रेख करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गुरुकुल के बच्चों बाहर, गुरुकुल से बाहर आने के बाद उनके पास इतनी सारी अच्छे गुण होंगे कि इस्कॉन में कहीं पे भी जाएंगे तो उनको ले लेंगे, क्योंकि इस्कॉन में कीर्तन करने वालों की ज़रूरत बहुत है, पूजा करने वालों की ज़रूरत, कुक्स की बहुत सारी ज़रूरत है। तो वो लोग इतने उनकी इतनी क्षम्यता बन जाएगी गुरुकुल में पढ़ने के बाद कि कहीं पे भी, इस्कॉन में कहीं पे भी जा सकते हैं। और इस्कॉन तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड पूरे जगह में, विश्व भर में इस्कॉन के मंदिर हैं, तो उनको कहीं पे भी कोई भी डिवोटीज अगर वो सेवा, इस्कॉन में रहना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इतनी सारी पढ़ाई कर लेते हैं लाखों रुपए लगा के, लेकिन फिर भी हमारा जॉब का कोई पक्का नहीं रहता है। yes. लेकिन गुरुकुल में तो ऐसे ही बचपन से बच्चे आ रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ भी सेटल है। यस yes. कोई सही है। आजकल लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके अच्छी डिग्री पाकर हमें अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छा पैसा कमाएंगे, मगर जैसे आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। मुझे खुद का अनुभव है कि बहुत सारे जगह पे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ही साधारण सा काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतने सारे प्रोफेशनल लोग हैं, मगर उतने सारे जॉब्स नहीं हैं। तो बाहर जॉब, मतलब बाहर की डिग्री पाकर जॉब मिलेगा और पैसा कमाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें गुरुकुल में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई गुरुकुल में हमारा बच्चा डालेगा तो उसकी क्या गारंटी है। बाहर भी गारंटी है, मगर यहाँ पे एटलीस्ट भगवान कहते हैं कि भक्ति में आप जितना भी आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको फ़ायदा है। आप भौतिक ज्ञान जितना भी पाएंगे, मरने के बाद वो भौतिक ज्ञान आपके साथ नहीं जाने वाला है, मगर जो भी आप भक्ति करते हो, जहाँ पे भी आप रुकोगे वो आपके आने वाले नेक्स्ट जन्म में आप वहीं से वापस चालू करोगे। तो अगर आप भौतिक रीत से भी देखेंगे तो ये फायदे तक है, ये बहुत, इसमें बहुत फ़ायदा है ये भक्ति गुरुकुल में पढ़ना। हरे कृष्ण।